हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द बिटकॉइन बर्नर। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगॉन मैटिक के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, न्यूज़ निकल के आ रही है रिगार्डिंग पॉलीगॉन मैटिक, उन सबको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग पॉलीगॉन मैटिक, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको मैं क्लियर कर सकूँ। फिलहाल न्यूज़ कवर करने से पहले क्विक अपडेट पॉलीगॉन मैटिक के प्राइस के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। करंटली $1.05 पे ट्रेड करता हुआ हमें पॉलीगॉन मैटिक नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडियन रुपीज़ में, तो हमें देखने को मिल रहा है 78.07 पैसा करंट वैल्यू चल रही है पॉलीगॉन मैटिक की, जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो $1.03 पे हमें एक सपोर्ट देखने को पॉलीगॉन मैटिक के लिए मिल रहा है। अगर उसके नीचे जाते तो हमें एक और स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 1.92 सेंट्स पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ, एक इनिशियल रेजिस्टेंस $1.11 पे और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया $1.16 से लेकर $1.18 पे बना हुआ है। फिलहाल जो प्रॉपर TA है, एनालिसिस वीडियो और चार्ट जो है, वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप सबके साथ शेयर कर दिया है। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला हुआ है, उससे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो $1.03 है, यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है बिटकॉइन के लिए। उसके अगर हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे $1.11 पे एक इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अगर यहाँ पे हमें एक बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिलती है तो ये आपको आसानी से ब्रेक होता हुआ नज़र आ सकता है। और पॉलीगॉन मैटिक जो ऊपर के जो एरिया है, रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस एरिया है $1.16 से लेकर $1.18, इसको रीटेस्ट करते हुए नज़र आपको आ सकता है। फिलहाल अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है $1.03 वाली, तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो $0.92 में हमें देखने को मिलती है। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आने वाले टाइम में बिटकॉइन कैसे परफॉर्म करता है। तो आप सब ने अगर हमारी बिटकॉइन का प्रॉपर TA एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो हम वो डाल चुके हैं हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, WZERX के साथ। WZERX के बारे में आपको बताया और बिटकॉइन का प्रॉपर TA किया गया है। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा प्रॉपर बिटकॉइन की जानकारी के लिए, क्योंकि आप सबको पता है बिटकॉइन अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमें डिफरेंट ऑल्टकॉइंस और ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल अगर मैं अपडेट्स एंड न्यूज़ की बात करूँ तो हमें बहुत सारे पार्टनरशिप्स लगातार देखने को मिले पिछले एक हफ्ते से पॉलीगॉन मैटिक के साथ, पर उसका कुछ खासा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। उसके क्या रीजंस हैं वो भी आपके साथ आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अगर मैं बात करूँ, एल्केमी ने पार्टनरशिप करी अनाउंसमेंट यहाँ पे टू इम्प्रूव नेटवर्क कैपेबिलिटीज़। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है OpenSea ने अनाउंस करी पॉलीगॉन मैटिक के साथ पार्टनरशिप और यहाँ पे पॉलीगॉन एग्रीगेशन को लॉन्च किया गया है। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है DEUS के तरफ से निकल के आ रही है, DEUS फाइनेंस लॉन्चेस सिंथेटिक एसेट प्रोजेक्ट ऑन पॉलीगॉन। अगली पार्टनरशिप गाइसर के साथ की है पॉलीगॉन मैटिक ने, उसके बाद ब्लॉक एक्स राउट के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप होते हुए पॉलीगॉन मैटिक की नज़र आ रही है। फिलहाल जब हमें पिछले टाइम जब मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा था, पुरानी पास्ट की में थोड़ा जाएं, और उस टाइम हमें देखने को मिल रहा था पॉलीगॉन एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होने के कारण वैसे चर्चा में था, और डिफरेंट इंटीग्रेशंस एंड पार्टनरशिप्स होने के कारण लगातार इन्वेस्टर्स के ध्यान में बना हुआ था। पर जब से क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल डाउन गया, हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, यहाँ पे इन्वेस्टर अभी पैसा डालने से बच रहे हैं। आपको मैंने सुबह जो न्यूज़ की वीडियो दी थी उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर की थी, मिंट का ये आर्टिकल था, उसमें मैंने आपको बताया था स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम फॉर क्रिप्टो टैंक्स, यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग की जो वॉल्यूम थी 43% से हमें डिप देखने को मिली थी जून के महीने में। और यहाँ पे सेम गया था डेरिवेटिव्स के साथ भी, हमें देखने को मिला था जो डेरिवेटिव्स वॉल्यूम है ड्रॉप बाय 40.7%। यहाँ पे ये जो रिपोर्ट थी वो प्रोवाइड करवाई गई थी क्रिप्टो कंपेयर के द्वारा। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने को मिली थी, जो बड़ी बड़ी एक्सचेंज थी उनके भी वॉल्यूम्स डाउन गई थी। मेजॉरिटी ऑफ 10 से 15 जो बड़ी एक्सचेंज है वो 40 to 50% की वॉल्यूम से डाउन जा रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाइनेंस 668 बिलियन डाउन बाय 56%, उसके बाद हुआ भी आप देख सकते हैं डाउन बाय 40.2%, ओके एक्सचेंज डाउन बाय 41.6%। तो उस समय एक चीज़ साफ देखने को मिल रही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है, जिसके कारण हमें ज़्यादा स्पाइक यहाँ पे ओवरऑल ऑल्ट कॉइंस में भी देखने को नहीं मिल रही रिगार्डिंग, चाहे जितनी मर्जी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो लॉस्ट ट्रस्ट है वो वापस आना होगा अगर हमें एक और अच्छे रेट से मार्केट ग्रो होते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो मैं आप सबसे एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को अच्छे से मैनेज कर लीजिए एंड अपने जो अपना जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसको सही तरीके से होल्ड करके रखिए, क्योंकि धीरे धीरे से ही पर मार्केट आपको आने वाले टाइम में ग्रो होता हुआ नज़र आएगा। हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स, चाहे वो बी टाउन हो जाए जिसमें बड़े बड़े टेक बिलियनर्स आके बिटकॉइन के फ्यूचर के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं, उससे क्या आउटपुट आता है मैं अपनी सुबह की वीडियोस में लगातार आपको बताता हूँ। डिफरेंट जो छोटे बड़े देश है, जैसे पराग्वे हो जाए 14th of July को अपना बिटकॉइन रेगुलेटरी बिल निकाल रहा है,
उसका क्या आउटपुट आता है। ये कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव्स हैं, ये जो माइंडसेट है जो अभी यहाँ पे डिस्ट्रस्ट में गया हुआ इन्वेस्टर्स का, उसको चेंज कर सकता है। इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकता है आने वाले टाइम में, हमें जो मॉनसून सेशन में एक्सपेक्टेड है। बिटकॉइन रेगुलेटरी बिल आपको देखने को मिल जाए और उसमें कुछ पॉजिटिव सुनने को मिले, उसके कारण कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है वो वापस आते हुए आपको नज़र आ सकता है। फिलहाल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि भैया बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करता है। ये जो चीज़ है ना बिटकॉइन, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। फिलहाल एक और बार आपको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने बिटकॉइन के ऊपर प्रॉपर टी एनालिसिस वीडियो डाल दिया, वजीर एक्स टोकन के बारे में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी हैं। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी वीडियो यहीं तक थी, इसको आप एक फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर मत लीजिए बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव एडवाइस के तौर पर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके यार अपने थॉट एंड जो भी आपको लिखना है कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपका है। और अगर आपने ये सब कर दिया तो या सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलो और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दो। मैंने वो काफ़ी सिंपल एंड शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश करी और बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाने की करी कोशिश करी कि भी आने वाले टाइम में क्या कुछ होते हुए नज़र आ सकता है, आपको क्या कुछ जरूरी है अगर हमें पॉजिटिव ग्रोथ होते हुए देखनी है डिफरेंट ऑल्ट कॉइंस में एंड पॉलीगॉन मैटिक में। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच गाइज, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।